नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी से आदर्श नगर जिला यूथ विंग की संगठन मंत्री बबीता वर्मा जी, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको संगठन मंत्री बनाया गया है पार्टी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर? अब देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुझे संगठन मंत्री बनाया गया है जिले का, और इसमें देखिए कोई भी जिम्मेदारी हो वो जिम्मेदारी बहुत हार्ड होती है पार्टी की तरफ से जो दी जाती है। इसमें हमें हर विधानसभा में जाके, अपनी 5 विधानसभाओं के अंदर जाके, जिसमें शालीमार विधानसभा है, आदर्श नगर है, त्रिनगर है, और सकुर बस्ती है, और अपना शालीमार बाग है, ये 5 विधानसभाएं हैं हमारे पास। और 5 विधानसभाओं में हम लोग अपने MLA से मिले और उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया और कहा कि हम अपनी यूथ की पूरी टीम बनाएंगे, और जिसमें कि हमारे विधानसभा लेवल पे संगठन मंत्री और अध्यक्ष की टीम बना दी गई है, और वार्ड लेवल पे हमारे किसी विधानसभा में 4 वार्ड हैं, किसी में 3 वार्ड हैं, उसमें भी अध्यक्ष और संगठन मंत्री की टीम बना दी गई है। अब हमारा जो हमें पार्टी की तरफ से आदेश मिला है वो है कि 1 बूथ 10 यूथ, उसमें हर बूथ के अंदर 10-10 यूथों की टीम बनानी है हमें। और अब जो हम कर रहे हैं, हम अभी तक 3 विधानसभाओं के अंदर यूथ सम्मेलन कर चुके हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहा है 1 विधानसभा के अंदर 500 यूथ का, लगभग इतने यूथ का हमने सम्मेलन 3 विधानसभाओं में किया है। अब हमारा 2 विधानसभाएं बची हैं जिसमें शालीमार बाग है और एक हमारी सकुर बस्ती है, और इस जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कि युवाओं के साथ, युवाओं के जोश के साथ ही एक तरह से कहें कि एजेंडा तैयार कर सकती है पार्टी, क्योंकि आने वाले टाइम में अब चुनाव हैं, उसकी तरह से युवाओं को आगे रखने की कोशिश कर रही जाएगी। देखिए, बिना यूथ के तो कोई बदलाव नहीं होता है। अब जैसे जैसे MCD के इलेक्शन आ रहे हैं, पहले भी हमारी पार्टी के साथ बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है, और आने वाले टाइम में भी धीरे धीरे यूथ जुड़ता जा रहा है, और बदलाव का एक कहते हैं ना कि एक रणनीति जो तैयार होती है वो यूथ से ही होती है, और यूथ अपना बदलाव करने में बिल्कुल सक्षम है। अभी हाल ही में क्या काम कर रहे हैं आप क्षेत्र के अंदर? क्षेत्र के अंदर मेरा वार्ड 18 लगता है, आदर्श नगर विधानसभा के अंदर धीरपुर वार्ड है, जिसमें हम लोगों ने पीछे तो सैनिटाइज बहुत जम के करवाया, कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी हमें बुलाया। अब हम लोग फोगिंग कर रहे हैं हर मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, हर अपने जल बोर्ड के अंदर, जितने भी स्कूल्स बने हैं उनके अंदर, अपने वार्ड के हर एक एरिए के अंदर लोग कॉल करके भी बुला रहे हैं, जिससे कि मच्छर बहुत हो रहे हैं, बारिश होने के बाद मच्छर बहुत सारे हो गए हैं, तो इसके लिए लोग फॉगिंग के लिए हमें बहुत बुला रहे हैं, और हम पूरे अपने वार्ड को कई बार फॉगिंग कर चुके हैं, और डेली हमारा लगा हुआ है कि फॉगिंग करनी है हमें। तो आने वाला क्या रणनीतियाँ रहेंगी, कैसे आप युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को एक साथ मजबूत करना और उन्हें लंबे समय तक रखना वो बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, पार्टी ने अपने लेवल पे यूथ के लिए बहुत काम कर ही रही है, जैसे कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कॉलेज में, उनके लिए लोन वगैरह की भी सुविधाएं काफ़ी दी हैं, और अपने लेवल पे पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, और यूथ चाहता है कि अभी हमने विधानसभा में बदलाव किया था, MCD के अंदर बदलाव लेके आएंगे। तो ये थी बबीता वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि युवाओं के साथ एक आने वाले समय में युवाओं को मजबूत करना है, और पार्टी के जो आदेश हैं उनका पालन करते हुए एक टीम बनानी है, और ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उन पर विजय कर सके और युवाओं को मजबूती मिल सके।